क्वेश्चन नंबर 14, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 6% पर एनम इज 90 रुपीज, फाइंड द सम। देखिए इसने हमसे क्या कहा कि प्रिंसिपल बताइए, तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल जो है उसको बताना है, तो प्रिंसिपल को मैंने कितना मान लिया x, और मुझे यही x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब गिवन क्या क्या चीज है वो देखो, ये 2 ईयर्स क्या है, ये टाइम है, टाइम कितना है 2 ईयर्स, अच्छा ये 6% क्या है, ये रेट है, वो कितना है 6% पर एनम, और ये 90 रुपीज क्या दे रखा है, ये दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 90। ये वाली जो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। आएगा कैसे ये समझिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, और जब सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा तो ये इक्वेशन में आएगा, फिर मैं क्या करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा, और दोनों को माइनस करके जो भी आंसर आएगा उसको 90 के इक्वल रखूंगा। अगर नहीं ये बात समझ में आई है तो ऐसे समझिए, सबसे पहले क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, ठीक है, इसी फॉर्मूले में रखो क्या क्या गिवन है। देखो पी की जगह क्या दे रखा है, प्रिंसिपल कितना है, हमने क्या मान लिया है एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई, रेट कितना है, रेट देखो क्या है 6, इनटू टाइम कितना है देखो 2, और अपॉन 100, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, 6 × 2 = 12, तो कितना हो जाएगा 12x/100, अभी हमारे बाद में काम में आएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया है, वो आया है ये, अब क्या निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट नहीं निकालेंगे हम, फॉर्मूले से निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, ठीक है, इससे अमाउंट निकालता है। लेकिन एक फॉर्मूला और था क्या, कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या करने वाला हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने वाला हूं, और देखो सिंपल इंटरेस्ट ये रख देंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट जब इनसे निकल के आएगा तो यहां रखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 90 के इक्वल रख के आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, पहले निकालते हैं अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला P(1+R/100) था और उसकी पावर n, तो अब वैल्यू रखते हैं, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल x है तो x रखो, 1 प्लस रेट कितना है, रेट है 6/100, इसकी पावर n, n क्या था टाइम, टाइम कितना है 2, तो यहां 2 रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, तो देखो इस ये कट हो रहा है किससे, ये कट हो रहा है 2 से, तो 2 × 3 = 6, और 2 से ये कितना आएगा, ये 50 आएगा, ठीक। थोड़ा सा अब इसको और आगे करो, तो x ब्रैकेट 51 + 50 + 3 कितना हुआ 53/50 और उसकी पावर 2। थोड़ा और सॉल्व करो, तो x ऐसे रहा, 53 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 53 की मल्टीप्लाई 53 से 2 बार है ना, तो यहां करते हैं 53 की मल्टीप्लाई 53 से, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15 की 5 कैरी 1, 5 × 5 = 25 और 1 = 26, तो 9 0 8 2, तो ये कितना हुआ 2809/50 का स्क्वायर करना है, मतलब 50 की मल्टीप्लाई 50 से करनी है, तो 5 × 5 = होता है 25 और 2 0 आ जाएंगे 1 0 का, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो कुल मिला के क्या आएगा 2809x/2500, ये क्या आया हमारा, ये आया है अमाउंट, लेकिन निकालना क्या है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा,
अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो वो निकलता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। अमाउंट ये निकल कर आया है 2809 अपॉन 500, सॉरी 2500, और एक्स ये तो अमाउंट है ये रख दिया, फिर माइनस है और फिर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को एक्स लिए बैठे हम, ये रहा तो उसको मैंने यहां रख दिया। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2500 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2500, तो 2809 तो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 2500 को 2500 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई और उस 1 की इससे, फिर ये माइनस 1 को 2500 बनाना है तो 2500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसकी मल्टीप्लाई एक्स से, तो कितना आएगा 2500x। माइनस कर लो, इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा 309 और एक्स अपॉन 2500। ये क्या आया हमारा, ये आया है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया हमारा, तो अब देखो ये वाली इक्वेशन देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 90 है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 90 है और कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकाल लाए हो, वो कितना है ये, तो रखो 309 अपॉन 2500x, फिर ये माइनस है तो माइनस लगाओ। सिंपल इंटरेस्ट कितना है देखो, वो भी निकाला था हमने स्टार्टिंग में, मैंने कहा था काम आएगा तो वो ये रहा, वो कितना है 12x अपॉन 100 और इक्वल्स टू 90। अगर आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, ये x। ठीक है, तो किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो देखो इसको माइनस करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करोगे एलसीएम से होंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2500, इसको ये बनाना है 1 से मल्टीप्लाई उस 1 की इससे, तो कितना 309x माइनस 100 को ये बनाना है तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये बनेगा, उस 25 की 12 से, इधर कर देते हैं 25 की मल्टीप्लाई 12 से करो, तो 25 से 10 की 01, 22 जा 415 और फिर कितना 25 00 और 3, तो कितना आया 300 और x। ठीक है, इक्वल्स टू ये वाला 90 एज इट इज। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, माइनस 309 में से 300 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 9x अपॉन 2500 इक्वल्स टू ये वाला 90, मुझे चाहिए x, तो 90 के मल्टीप्लाई में जाएगा ये, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसको कट कर लो, 9 की टेबल से ये 10 टाइम्स जा रहा है और 10 की मल्टीप्लाई इससे करोगे 2500 से, तो 2500 तो था ही था और एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो गया हमारा, सम कितना हो गया 25,000। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और समझ में आ जाएगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।